1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलेन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ, जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो, विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना, कॉमेडी का पात्र, और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए, और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया, और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं इसको कभी आप गौर करिएगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलेन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलेन है छेदी सिंह, वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है, और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सबने ये बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना, और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है।